कानपुर में अपराधियों की धरपकड़ के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ और रेल बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रांची से लाकर जनपद गाजियाबाद ले जा रहे डोडा को एसटीएफ लखनऊ और थाना रेल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान गाजियाबाद निवासी प्रशांत चौधरी के रूप में हुई है, जिसके पास से 275 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 13,755 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त से उसके अन्य साथियों पर नेटवर्क के संबंध में भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं क्राइम संबंध में, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना रेल बाजार को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक अपराधी जो प्रशांत चौधरी नाम का है, जो ओरिजिनली वो बुलंदशहर का रहने वाला लेकिन अभी गाजियाबाद में रह रहा है, इसमें थाना रेल बाजार और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन के उपरांत ये इसको पकड़ा है। इसकी ये छोटा हाथी गाड़ी से जा रहा था और ये बताया कि रांची से गाजियाबाद तक इलीगल जो डोडा है उसको पकड़ के ले उसको लेके भर के लेके जा रहा था। और जब हम लोगों ने इसको पूछताछ के लिए रोका तो उसके द्वारा संतुष्ट आंसर नहीं दिया गया और जब हमने गाड़ी को चेक किया तो उसमें ये बरामदगी हुई है जो लगभग 275 किलो की है और जो उसकी वैल्यू मार्केट की है लगभग 13,350,000 रुपये है। और एक बहुत बड़ी सफलता है थाना रेल बाजार को, जो पूरी टीम है उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपये का। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।